दोस्तों, एडवांस प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे इस प्लास्टिक का। हमारे पास एक ट्रे है, ठीक है, तो आपने ये देखा होगा अक्सर फ्रिज में, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो आप उसके डिजाइन को थोड़ा सा रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। देखो, चैटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ले सकते हो किसी का भी डिजाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो डिजाइन बनाओ उसका, और जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप एनएक्स सिनोग्राफी कैड सॉफ्टवेयर पर करोगे, तो फिर हम इसका मोल्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? मोल्ड। अच्छा, सबसे पहली चीज, हम लोग प्लास्टिक जो यूज करेंगे ना, वो फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्लास्टिक है वो कौन सा है? यहाँ से पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो, ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको एबीएस वाला का मटेरियल ले लिया, या फिर कोई दूसरा कोई ऐसा मटेरियल ले लिया जो कि फूड ग्रेड का नहीं है। तो यहाँ पर पीपी या फिर पीसी प्लास्टिक का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि फूड ग्रेड का मटेरियल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक और चीज चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं। तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बड़बड़ा रहा हूँ, और पता चले कि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर पहले ठीक है, देख लेते हैं हम लोग लाइव है कि नहीं। ओके, सो बेसिकली वी आर लाइव। मैं यहाँ पर एक बार इसको माइक को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट कि आप अभी मुझे मैसेज नहीं कर सकते, या फिर ठीक है, तो मैसेज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ माई चैनल, दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू मैसेज मी इन चैट बॉक्स। ओके, तो उसके लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा। ओके, तो ज्वाइन कर सकते हो आप मेरे चैनल को, ठीक है। चलिए मैं देख लेता हूँ आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है। क्लैरिटी भी लग रही है मुझे कि क्लैरिटी है, एक बार मैं देख लूँ क्लैरिटी है कि नहीं। वन मिनट, ठीक है, नो डाटा। तो थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद तक, मैं भी मैं ऑनलाइन तो हूँ। एक्सीलेंट कनेक्शन। ओके, अब आपको क्लियर दिखेगा, जो स्क्रीन दिखेगी वो क्लियर दिखेगी। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हो तो मैसेज करने के लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर एक ज्वाइन का बटन दिखता है। ज्वाइन के बटन पर आप क्लिक करो। जो भी आपको हेल्प फॉर ग्रोइंग चैनल, इसको छोड़कर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड, जो भी आपको ज्वाइन करना है और जिसका भी आपको बेनिफिट उठाना है, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं क्लिक करते हैं और हम लोग आज क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं कोर्स के बारे में बता दूँ। प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो 8871151975 पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पे मुझे मैसेज करना होगा आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मैं आपको इसका सिलेबस और कुछ अपडेट रहेंगे, जो भी कोर्स के रिगार्डिंग रहेंगे वो मैं आपको अपडेट करूंगा। ओके, तो मोल्ड डिजाइन कोर्स के लिए आपको एनएक्स विन ग्राफिक्स का कैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। ओके, यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द कैड एनएक्स विन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर फॉर द मोल्ड डिजाइन कोर्स। ओके, आई विल प्रोवाइड लाइव गूगल मीट क्लासेस, लेक्चर रिकॉर्डिंग, कंप्लीट 10 फोल्डर कोर्स एंड द कंप्लीट सोर्स फाइल फॉर द प्रैक्टिस, कंप्लीट सोर्स फाइल एंड कंपोनेंट फाइल ऑल्सो। ओके, इन एक्सटीओर स्टेप फॉर्मेट। 500 रुपीज इज द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर सिक्योर सीट। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको कोर्स करना है तो 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको 2 दिन का डेमो प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, आई विल प्रोवाइड अ 2 डेज डेमो क्लास इन 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस। ओके, जब आपका डेमो में आपको संतुष्टि हो जाती है कि हाँ कोर्स मेरे लिए ठीक है, तो आप कोर्स को कीजिएगा। ओके, चलो इतना मैंने आपको बता दिया। आप मुझे व्हाट्सएप पे जल्दी से जल्दी मैसेज कर सकते हो। तो आफ्टर इस लेक्चर मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। आई विल रिप्लाई यू आफ्टर लेक्चर ऑन व्हाट्सएप। ओके, इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास प्लास्टिक ट्रे है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं फूड ग्रेड मटेरियल का। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं पॉलीप्रोपिलीन। क्या यूज कर रहे हैं? पॉलीप्रोपिलीन। ओके, तो पॉलीप्रोपिलीन का जो श्रिंकेज वैल्यू होता है, तो यहाँ पर ये कोई मेटिंग पार्ट तो है नहीं, ठीक है, ये कोई मेटिंग पार्ट नहीं है। तो इसके लिए क्या है, श्रिंकेज वैल्यू हम लोग ऐसे ही ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लगता है उसको वैसे ही ले लो, ठीक है। तो इसके लिए श्रिंकेज वैल्यू में क्या ले लूँ बताइए, आप बताइएगा। तो
इसके लिए मैं जो श्रिंकेज वैल्यू लूंगा वो लूंगा मैं 2%। हाउ मच परसेंट? 2%। ठीक है, तो चलिए इसका एक एक सिर्फ कोर और केविटी को आज हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे फॉर द प्लास्टिक आइस ट्रे। ओके चलिए, तो 2% मतलब क्या होता है, 2% डिवाइड बाय 100। ठीक है, वी विल गेट दिस वैल्यू 0.02, एड वन इन दिस वैल्यू यू विल गेट 1.02। ओके, कॉपी दिस वैल्यू एंड पुट दिस वैल्यू इन स्केल बॉडी कमांड। ओके, कंट्रोल वी। ओके, हियर सिलेक्ट बॉडी एंड यूनिफॉर्म श्रिंकेज। तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या दे दिया है, यूनिफॉर्म श्रिंकेज दे दिया है। ओके चलो, इसका पार्टिंग सिलेक्शन कहाँ करेंगे, पार्टिंग लाइन कहाँ करेंगे? देखो, इसका पार्टिंग सिलेक्शन होगा यहाँ पर, इस वाले पार्ट, क्योंकि इसमें आपको कुछ ड्राफ्ट दिख रहा है। देखो, दिख रहा है ड्राफ्ट? चलो एक काम करते हैं, इसका ड्राफ्ट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मोल्ड विजार्ड का हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर है चेक वॉल थिकनेस। ठीक है, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे पास, रीजन चेक वॉल थिकनेस। चलिए वॉल थिकनेस चेक करते हैं, और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ जरा। देखो, डिफरेंट डिफरेंट आपको वहां पर वॉल थिकनेस मिलेगी। ठीक है, तो कहाँ पर कितनी वॉल थिकनेस है वो कलर से आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर येलो कलर दिख रहा है, तो मतलब 1.5 से लेकर 1.75 तक की वॉल थिकनेस है। मतलब आपको यहाँ पर अगर ब्लू कलर दिख रहा है, तो ब्लू कलर मतलब है 0.25 से लेकर यहाँ पर 0.0 तक की वॉल थिकनेस आपको दिखेगी। देखो, जीरो नहीं दिखेगी मतलब, लेकिन वो यहाँ पर कॉर्नर में क्या है, इसकी वॉल थिकनेस कम होती जाती है ना, तो इसलिए यहाँ पर वॉल थिकनेस आपको इस तरह से दिखती है। तो इस तरह से वॉल थिकनेस को आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक कमांड हमारे पास एक और होगी, जो कि ड्राफ्ट एनालिसिस की होगी। चलिए, ड्राफ्ट एनालिसिस की है, यहाँ पर मैं बॉडी और पूरे फेस सिलेक्ट करता हूँ, उसको कर देते हैं ओके। ठीक है, तो जिस तरह से भी आप इसको सिलेक्ट करोगे, उसके हिसाब से आप इसको, इसकी वॉल थिकनेस को और ड्राफ्ट एनालिसिस को आप देख सकते हो। अगर मैं इसको इस तरह से रखता हूँ और इस तरह से करूंगा, तो देखो इस तरह से वॉल थिकनेस बता रहा है इसका, सॉरी ड्राफ्ट एनालिसिस बता रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रखूंगा, जैसे भी आपको रखना है उसको वैसे रख के आप इसका ड्राफ्ट एनालिसिस देख सकते हो। ठीक है, देखो, ठीक है, फिर से देखते हैं, ये वाले व्यू से देखना है तो ये वाले व्यू से देखते हैं, और इसके अंदर देखते हैं ड्राफ्ट एनालिसिस कहाँ कहाँ पर है। देखो, ठीक है, इसको देखते हैं टॉप व्यू में, और इसको देखते हैं ड्राफ्ट एनालिसिस। देखो, ठीक है, जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है ये नेगेटिव है, और जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है वो पॉजिटिव है। ओके चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, जैसा मैंने आपको इसके अंदर स्केल बॉडी देके बताया कि इसके अंदर हम लोगों ने श्रिंकेज वैल्यू दे दिया है। श्रिंकेज वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है, श्रिंकेज वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि जब मेल्टिंग प्लास्टिक किसी मोल्ड के अंदर एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद जब वो कूलिंग होता है और मोल्ड से जब निकलने वाला होता है, तब वो श्रिंक होता है। ठीक है, तो वो श्रिंक होता है, तो उतना जितना श्रिंक होता है उतना परसेंटेज हमको इसके अंदर मटेरियल ऐड करना होता है, ओके, उतना मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है ना, ओके चलिए देख लेते हैं कितने लोग हैं। ओके, 5 लोग व्यू कर रहे हैं। ओके ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं मोल्ड के इस तरह से अलग अलग वीडियो लेके आता रहता हूँ, और आगे बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें मोशन सिमुलेशन भी होगा, एनालिसिस भी होगा, मोल्ड फ्लो एनालिसिस, फील एनालिसिस भी होगा, तो कई तरह के वीडियो लेके आने वाले हैं। तो इसका सबसे पहले पार्टिंग सिलेक्शन कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ये वाला जो आपको लाइट दिख रही है, यहाँ पर हम इसकी पार्टिंग ले लेंगे। ओके, तो यहां तक का मैं एक काम करूं, लेंथ देख लें कितनी है। ठीक है, कौन से पॉइंट से लेकर, ये वाले प्लेन से, तो ये वाले प्लेन से लेकर इस पॉइंट तक की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। 6 पॉइंट, इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको करें, फिर श्रिंकेज वैल्यू के बाद वैल्यू पॉइंट में आएगी ना, चेंज होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमको, मैंने कॉपी कर लिया है वैल्यू को, और यहाँ से लेते हैं डेटम प्लेन। डेटम प्लेन लेने के बाद एट अ डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज ध्यान देना कि हम लोग डेटम प्लेन यहाँ पर क्यों ले रहे हैं। ठीक है, इसको कर दिया मैंने कंट्रोल वी, और इसको कर देते हैं ऊपर साइड, और ओके। ठीक है, देखो, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, इसको करते हैं यहाँ से, इसको प्लेन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ताकि आपको क्लियर वो चीज नजर आए। ठीक है, देखो,
दिख रहा है ये, यहाँ पर हम लोगों ने इसका पार्टिंग लाइन लिया है, क्योंकि देखो ड्राफ्ट यहाँ से है, उसके बाद यहाँ से ड्राफ्ट नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन किस में जाएगा, ये वाला पोर्शन जाएगा केविटी में, ओके, या फिर आप बोल सकते हो कोर में, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो कोर बनेगा ना, यहाँ से कोर बनेगा और ये वाला पोर्शन केविटी में जाएगा, राइट। चलिए तो एक काम करते हैं, इस पे हम लोग स्केच करते हैं, इसको करता हूँ मैं ओके। चलिए यहाँ पर एक सेंटर लाइन सिलेक्ट करते हैं, ये वाली ले लेते हैं सेंटर लाइन, ठीक है, इसको करते हैं ओके, यहाँ से इसको करा ओके, कन्वर्ट टू रेफरेंस करना पड़ेगा हमको, कन्वर्ट टू रेफरेंस ओके, यहाँ से इसको लेते हैं, ठीक है, एनएक्स ग्राफिक्स का कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, 1 अगस्त से स्टार्ट है, ठीक है, इसको कर देते हैं 400। मैं सिर्फ कोर और केविटी बना रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था, कोर और केविटी बनाएंगे हम लोग अभी, ठीक है, और ज्यादा कोई चीज नहीं कर रहे इसके अंदर, तो ये गलती से 200 ओके, इसको कर दिया ओके, यहाँ से इसको 400 है, 350 करता हूँ तो भी ये पास में आ जाएगा, ऐसा करते और, ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस स्केच को क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, यहाँ से करते हैं नन और ओके। तो कोर और केविटी आपको एक्सट्रैक्शन आई होप आ गया होगा, मुझे कम व्यू दिख रहे हैं मुझे, इसका मतलब ये है कि आप अभी कोर केविटी में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको थोड़े से और एडवांस लेक्चर चाहिए, ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, तो मैं यही देखता हूँ कि मेरे व्यू यहाँ पर कम हो रहे हैं चैनल पे, मतलब यहाँ पर अगर मेरे व्यू अगर 5 है 6 है, इसका मतलब ये है अभी कि आप थोड़ा सा और जानना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है ये चीज़। चलिए अच्छा इसको कर देते हैं ओके, ठीक है, इसके बाद क्लिक करते हैं, तो लेकिन आपको बस ये है कि चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जब आप चैनल को ज्वाइन करोगे तभी आप मुझसे कमेंट पे बात कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है ओके। चलो इसको क्लिक करते हैं 65, और इसको कर देता हूँ मैं 70, क्योंकि कूलिंग पाइप भी हमको यहाँ पर देना होता है, तो मैं सिर्फ अभी इंसर्ट बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि आई एम क्रिएटिंग जस्ट इंसर्ट ओके, यहाँ से इसको कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल जे, ठीक है, इसमें एक और चीज हम लोग करने वाले हैं, इसमें हम लोग इंटरलॉक भी क्रिएट करेंगे, एक चीज ध्यान देना, हम लोग इसमें इंटरलॉक भी क्रिएट करेंगे ओके। चलो यहाँ से इसको कर देते हैं सब्स्ट्रैक्ट, इसमें से इसको कर देते हैं सब्स्ट्रैक्ट, कीप टूल ऑन, इसको कर देते हैं ओके, यहाँ से ओके सब्स्ट्रैक्ट, देखो ये एक स्लॉट बन गया यहाँ से, और इस पे से भी इसको कर देते हैं सब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो आइस ट्रे बनाना तो आसान है, ठीक है, देखो इसका मोल्ड बनाना आसान है, लेकिन इसके आगे के जो पार्ट होते हैं ना वो बनाना इतना आसान नहीं है ओके, उसके लिए हमको बहुत सारी कैलकुलेशन करना होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको करना जरूरी है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर थी पार्टिंग सिलेक्शन, यहाँ पर पार्टिंग सिलेक्शन मैंने कहाँ किया है, यहाँ पर इस फेस पे, इस लाइन पे ओके, देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है ना आपको यहाँ पर, क्यों, क्योंकि नेगेटिव ड्राफ्ट आ रहा था, क्योंकि इसके नेगेटिव को मतलब ये यहाँ पर आपको पॉजिटिव लेना है और इसके यहाँ पर भी पॉजिटिव लेना है, ताकि कोर और केविटी एक दूसरे से अलग हो सके ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं इसकी केविटी, देखो सही है केविटी पोर्शन, देखो ये है कोर पोर्शन, ये देखो ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अभी, ठीक है। चलो अब यहाँ से एक चीज देखते हैं, इसके अंदर हमको बनाना है एक इंटरलॉक, हमेशा जब भी आप इंसर्ट बनाते हो तो इंसर्ट बनाने के लिए आपको उसमें कुछ इंटरलॉक क्रिएट करना होते हैं, ठीक है, तो मैं पूरे के पूरे इंसर्ट में इंटरलॉक का इस्तेमाल कर दूंगा, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये कोर पोर्शन है, तो मैं एक काम करता हूँ केविटी पोर्शन तरफ मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है, केविटी पोर्शन में इसका इंटरलॉक का मेल पोर्शन होगा ओके। चलो इसको क्लिक करते हैं, इसको करते हैं ओके, इसको क्लिक करते हैं, चलो यहाँ पर लेते हैं 2 पॉइंट, ठीक है, कितना ले लूँ, यहाँ पर ले लेते हैं 25x25 ओके। चलो ठीक है, ये मोल्ड अगर आपको खरीदना है तो आप इसका मोल्ड खरीद सकते हो, कंप्लीट मोल्ड के और विथ मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपको इसका प्रोडक्शन करवाना है तो प्रोडक्शन आप करवा सकते हो, ठीक है, और इस तरह से मल्टी केविटी अगर मोल्ड आपको चाहिए इसी सेम कंपोनेंट के लिए और आइस क्यूब के लिए, ठीक है, तो आप मुझसे
कांटेक्ट कर सकते हो और ले सकते हो इफ यू आर ऑलरेडी इन इंडस्ट्री। ओके चलिए मैं इसको कर देता हूँ 20 mm का, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से ओके, और यहाँ पर मैं इसको कुछ ड्राफ्ट दूंगा। तो 20 mm भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, अगर मैं इसको 15 mm भी कर दूँ तो उसमें भी काम चल जाएगा। देखो इसकी जो थिकनेस होती है ना, ये हम लोग मैनुअली ले सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों को किसी कैलकुलेशन की जरूरत है। ठीक है, वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपीरियंस उसमें कितना है। ठीक है, तो उसमें इतना डरने वाली बात नहीं है कि सर ये आपने कैसे ले लिया, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने इतना ले लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो वो चीज आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। कई चीजें होती हैं, कई मोल्ड होते हैं जो आप पहले से बना चुके होते हैं, तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि अगर आप इतना लोगे तो इसमें काम चल जाएगा। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज जस्ट लाइक अ जुगाड़। ओके, अगर आप जुगाड़ कर सकते हो तो यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर। ओके चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मुझे जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुझे इसमें ड्राफ्ट देना है, तो ये ड्राफ्ट लेते हैं और इस फेस को, स्टेशनरी फेस को इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से एक फेस लिया, दूसरा फेस लिया, मिनिमम इसमें कम से कम 10 डिग्री और 15 डिग्री का आपको ड्राफ्ट देना है। तो मैं इसमें, ओ माय गॉड, 15 डिग्री का ड्राफ्ट दे देता हूँ। ठीक है चलिए, ठीक है इसके अंदर देते हैं यहाँ पर रेडियस, जिसको बोलते हैं हम लोग एज ब्लेंड। ठीक है, तो सबसे फेवरेट होना चाहिए आपका एज ब्लेंड, क्योंकि एज ब्लेंड क्या होता है कि एज ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मोल्ड के लिए। ठीक है, कई फेस में, इवन कंपोनेंट डिजाइन के अंदर आपको बहुत सारे एज ब्लेंड देना होते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि एज ब्लेंड के कारण जो मटेरियल का जो फ्लो होता है, प्लास्टिक मटेरियल का फ्लो, वो स्मूथ होता है। बोल सकते हो आप लेमिनार फ्लो होता है, नल में से जो पानी निकलता है किस तरह से निकलता है, कभी कभी बिल्कुल एकदम स्मूथ निकलता है, कभी कभी झरझर करके निकलता है। तो बेसिकली जो झरझर करके निकलते हैं उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, जो एकदम एक धार में निकलता है उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। तो फ्लो ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल शुड बी लेमिनार फ्लो, शुड बी यूनिफॉर्म। ओके चलिए, तो एक काम करते हैं, इसको मैं मिरर ज्योमेट्री कर लेता हूँ, इसको कर लेते हैं मिरर ज्योमेट्री, फर्स्ट ये और सेकेंड ये, इसको कर देते हैं ओके 1 2, यहां से कर देते हैं 1 और इसको 2, इसको कर देते हैं ओके। ठीक है चलो, इसके साथ मैं इसको कर देता हूँ यूनाइट, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके साथ इसको यूनाइट करना है, और ओके कर देते हैं। ठीक है देखो ये हो गया, और क्या करना है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका कोर और कैविटी इंसर्ट बन चुके हैं। ये इंसर्ट किसी मोल्ड बेस के अंदर हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको कर देते हैं सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस, दिस इज द टूल बॉडी। ठीक है चलो, ये हो गया इसका, तो इसका मैं सॉलिड ब्लॉक आपको एक बार बता देता हूँ। देखो ये है इसका सॉलिड ब्लॉक 1 और 2 और ये 3, अगर मैं इसको अलग करूँ। ठीक है, तो ये हो गया कोर पोर्शन, ये हो गया कैविटी पोर्शन। ठीक है चलो, कंट्रोल टी से कर दिया ओके, यहाँ से इसको भी इस तरह से हम लोग इजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने प्लास्टिक जो आइस ट्रे होता है उसको लिए हम लोगों ने मोल्ड क्रिएट किया है, मोल्ड बनाया है। तो हमने सिर्फ कोर और कैविटी इंसर्ट बनाया है आज के लेक्चर में, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से बनाना, सिंपल सा है। अभी इसमें हमको पैचिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, और अभी हमने वो लोगों ने इसके लिए रनर और किसी के लिए भी वो नहीं किया, सिर्फ कोर और कैविटी इंसर्ट को क्रिएट किया है। कोर कैविटी इंसर्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंटरलॉक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इंटरलॉक मैंने यहाँ पर बताया, तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर भी हमको रेडियस देना है। ठीक है, तो रेडियस देने के लिए देखो यहाँ पर रेडियस देना है, ये देखो है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करते हैं मैक करंट फीचर, यहाँ पर जाते हैं, ये हो गया। ठीक है चलो, इसको यूनाइट करा था, इसको सब्सट्रैक्ट करा था, और इसको कर देते हैं यहाँ से यूनाइट, और इसको कर देते हैं मैक करंट फीचर। इसमें मैं एक बार फिर पीछे जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ एज ब्लेंड, देखो 6 का दे देते हैं। ठीक है, आपको जितने का ठीक लगे आप उतने का दे दो, ठीक है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली यू आर अ डिजाइनर। ठीक है, मैं सिर्फ एक गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ डिजाइन करने के लिए, डिजाइन तो आप ही करोगे उस चीज को, राइट। चलो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, यहाँ से कर देते हैं इसको ओके। चलो देखो इसके अंदर लग गया एज ब्लेंड। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये इंटरलॉक काम करता है फॉर द बेटर अलाइनमेंट ऑफ फॉर द बेटर अलाइनमेंट ऑफ इंप्रेशन ऑफ कोर एंड कैविटी। ठीक है, तो बेसिकली ये मेल पोर्शन और फीमेल पोर्शन जब आपस में मेट करेगा, तो ये जो इंटरलॉक होते हैं ये इसको प्रॉपर तरीके से अलाइन करेगा, ताकि इसमें फ्लैशेस प्रोड्यूस ना हो, और ये इसकी एज पे पार्टिंग, जो एज होती है पार्टिंग लाइन होती है, वो सही से मैच हो। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप लोग
इसको बना सकते हो, जितना मैंने अभी बनाया है उतना बना सकते हो। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, ओके करो, यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो और ये कोर कैविटी तैयार है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ। प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो 30 डेज का लेक्चर लेता हूँ मैं, 30 डेज का पूरा कंप्लीट कोर्स है, ऑनलाइन लाइव लेक्चर मैं इसमें प्रोवाइड कराता हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और एनेक्स सोनोग्राफिक्स का कोर्स इसके लिए जरूरी है। अगर एनेक्स सोनोग्राफिक्स अगर आपको आता है तो आप ज्वाइन कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो एनेक्स सोनोग्राफिक्स का केड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो इसी के लिए। ओके चलिए, ओके दोस्तों, बाय बाय।